गुड मॉर्निंग। तो जी भाई निकल चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे। अब हम होटल को चेकआउट कर रहे हैं। तो ये आज हमारा केरला का सेकंड डे होने वाला है, जहाँ पे आज हम लोग मुन्नार जा रहे हैं। तो फिलहाल हैं हम लोग कोची में और 6 बजे का टारगेट था, 6:30 बज रहे हैं, बट ठीक है यार, अभी भी फेवर में है कंडीशन। और यहाँ से हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, सबसे पहले पहला टारगेट है कुछ खाने का, दूसरा टारगेट है रिपल वाटरफॉल पे, रिपल वाटरफॉल से अरवाकुलम नेशनल पार्क। यही हमारा आज का मेन जो होने वाला है ना, वो ये होने वाला है। बाकी देखते हैं, अब यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ। स्टार्ट कर चुके हैं अपनी धनों को, थोड़ा गर्म कर रहे हैं पहाड़ों में चढ़ने के लिए। थोड़ी रेडी हो जाए, सामान वामान अपने अपना सारा पीछे रख दिया है। तो पहले सामान भी दिखा दें आपको ज़रा। तो ये रहा भाई सामान सारा, बैग फैग में डाल देते सब बढ़िया मस्त। चलते हैं क्लब कैफे टी, थोड़ा बहुत चाय वाय पी जाए। चाय यहाँ पे ना कम मिलती है, ज़्यादातर यहाँ पे जूस मिलता है सुबह के टाइम पे। जूस सुबह के टाइम दिन में आपको हमेशा मिलेगा, तो चाय की बहुत कम दुकान है। तो ये एक यहाँ पे दुकान है, तो चलो चलते हैं चाय। तो भाई पहाड़ शुरू हो चुके हैं और 70-80 किलोमीटर आगे और है मुन्नार का अभी जो रास्ता है। लेकिन भाई ये है कि जो अभी ये पहाड़ है ना, आप देख सकते हो आगे, बिल्कुल मतलब बेसिक ही है, कुछ इतना चैलेंजिंग नहीं है, बहुत प्यार से गाड़ी चल जाएगी। और फिलहाल भाई ऑल्टो अगर मैं बात करूँ ना इस गाड़ी की, कल से इसमें मैं नोटिस कर रहा हूँ भाई इसका AC बहुत स्ट्रॉन्ग है, अल्टीमेट भाई। मतलब यहाँ ह्यूमिड बहुत है, वो चिपचिप वाली गर्मी बहुत है। और यहाँ पे जब भी आओ ना भाई अपना ना सनग्लासेस लेके आओ। तो जितना मैं हाइट पे जाता जा रहा हूँ उतना ज़्यादा यहाँ पे धूप तेज होती जा रही है, क्योंकि वो सी लेवल से अप है। गाड़ी रोकी है, व्यू देखो भाई, मस्त। पहले नारियल पानी पियेंगे, उसके बाद थोड़े बहुत फ्रूट्स ले लेते हैं। ये कुछ अलग लग रहा है भाई, ये जो भी है अंगूर टाइप का, काले अंगूर दिख रहे हैं, तो ये लेते हैं। अब भुट्टा देखना यार, ये जब नेचुरल चीज़ को नेचुरल ही रखा, ये पन्नी चढ़ाने का क्या लॉजिक आया? ठीक है लेकिन गलत है, लेकिन अच्छा ठीक क्या यार। अनार देखो भाई साहब, ये सेब देखना कितने छोटे हैं। सही है भाई, हैं इतना बड़ा नारियल, वाह। मलाई देखो भाई साहब, अंदर तक है मलाई नारियल में। मस्त लग रहा है ना भाई। नारियल पानी तो दबा के पियो पूरे ट्रिप के अंदर, पानी से ज्यादा हम लोग नारियल पानी पी रहे हैं। ठीक है लेकिन, अरे कितना बड़ा नारियल लिया।
एक तो भाई यहाँ पे पता नहीं यहाँ के लोगों के क्या रिवाज है, यहाँ पे कोई हॉर्न ही नहीं मारता है। आप देखो एकदम अगर शार्प टर्न आ रहा है या कुछ आ रहा है ना, मैं तो हॉर्न मारता हुआ जा रहा हूँ भाई, यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं मारेगा। बस भी एकदम सडनली आ जाएगी, बंदा भी सडनली आ जाएगा। ये देखो ये जैसे ये टर्न आ रहा है, अब आप ये देखो यहाँ पे अब ये एंड है, मेरे को कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं फिर भी अपने लेफ्ट में गाड़ी चला रहा हूँ। तो भाई ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, अदरवाइज मैं देखो कार की बात करूँ गाड़ी चलने में बहुत अल्टीमेट, इतना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दे रही है। ऑल्टो बेशक 800 सीसी का इंजन है, अगर यही सड़क है ना तो मुन्नार तो बहुत प्यार से खिंच जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी आप ये देखो ये गाड़ी गई, कोई हॉर्न नहीं था, कुछ नहीं था। अभी मैं मार रहा हूँ, अभी देखो ये यहाँ पे पूरा शार्प टर्न आ गया भाई, यहीं से सडनली बस निकल जाएगी, सडनली गाड़ी निकल जाएगी। तो बड़ा देख के चलना है, अगर आप लोग अपनी ये गाड़ी ले रहे हो, रेंटल कार ले रहे हो, तो प्रॉपर अगर आप कॉन्फिडेंट हो रोड्स के ऊपर, हाँ भाई मैं गाड़ी चला लूँगा, तो ही गाड़ी उठाओ, वरना बड़ा दिक्कत है भाई। थोड़ा एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो अगर मान के चलो पहाड़ की अगर मैं इनकी क्वालिटी की बात करूँ ना, लैंड्स डाउन का ट्रैक हो गया, जैसे ये लैंड्स डाउन जैसा ट्रैक है, या फिर बात करें हम हल्द्वानी का जो अपर लोअर ट्रैक आता है ना नैनीताल वाले एरिए का, ये वैसा ट्रैक है। तो इतना कोई चैलेंजिंग नहीं है, और लेकिन पहाड़ है भाई यहाँ पे ना, वो वैसे वाले मतलब अपने यहाँ पे क्या है ना, नॉर्थ में बालू पत्थर वाले पहाड़ होते हैं, ठीक है, ये बालू वाले नहीं है यहाँ पे, ये रॉक्स वाले हार्ड रॉक्स हैं। आप ये देख रहे हो यहाँ लैंडस्लाइड और ये सब का कुछ ड्रामा नहीं है, पक्की बात है। ये जिस तरीके से है ना पहाड़, तो थोड़ा वो पहाड़ों की उस पर फ़र्क है। और अभी भी भाई ये देखने में, आपको अंदर हम लोग एसी में बैठे हैं, आपको देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। आपको मैं पहले व्यू दिखाता हूँ ये वाला, भाई व्यू देखने में बहुत अल्टीमेट है, लेकिन हम लोग ना जैसे ही बाहर जाएंगे, यहाँ पे यार ह्यूमिड है, वेदर यहाँ का ह्यूमिड है और उमस बहुत है इस जगह पे, तो यही है। अभी आप देखो ट्रैफिक आ रहा है ना यहाँ से, तो थोड़ा वही है, अगर आपको दिख रहा है रास्ता तो ठीक है। अब आ गए तगड़े घाट से, ये देख रहे हो एकदम सीधी चढ़ाई, पहले गियर पे ये गाड़ी चल रही है, ये कागज हटाता हूँ, अब देखो पहले गियर पे गाड़ी चढ़ रही है, ये देखो ये देखो आगे हल्का सा भी गाड़ी बंद हुई, ऑटो बंद हुआ भाई गाड़ी पीछे जाएगी। तो बात ये है भाई टायर में जान होनी चाहिए, और जैसे टायर लग रहे थे ना उस हिसाब से तो ठीक है। अभी ये गाड़ी इसलिए चढ़ पा रही है क्योंकि सड़क अच्छी बनी हुई है, यहीं अभी थोड़ा रट वाला ट्रैक होता, थोड़ा रोड़ी बजरी वाला ट्रैक होता ना, तो भाई हालत खराब हो जाती,
पक्का हालत खराब हो जाती है भाई। ये देखो ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और हम लोग यहाँ पे हैं किल्लारी का क्षेत्र में, जो भी है ये ठीक है। तो किल्लारी के क्षेत्र में हम लोग यहाँ पे आ गए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग ले रहे हैं टिकट, 200-200 रुपए की है। कथकली का है डांस, एक किल्लारी इनका जो यहाँ पे साउथ इंडियन मार्शल आर्ट है, एक उसका यहाँ पे परफॉर्मेंस रहेगा। तो हमने क्या किया, अभी यहाँ से हम टिकट लेके चल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं आगे नेशनल पार्क की तरफ। ओ भाई साहब, ये बात सही है, चल बैठ जल्दी बाबू। भाई ये गाड़ी यहाँ से सीधी चढ़ानी है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। ये कैन वी शूट द मेकअप, तो उन्होंने कहा यस यू कैन कम बाय 5 सॉरी बाय 4 सो यू कैन शूट। आप देखो भाई भाई दम निकल गया गाड़ी का, चल गई भाई चल गई, कंट्रोल में आ गई गाड़ी हमारे। वो वाला टफ है, तो यहाँ से नहीं जाना, उधर से जाना है जहाँ से वो आंटी चल रही है। एंड दैट्स इट, आ गए। ये अच्छी बात है, टायर्स ने ट्रैक्शन लूज नहीं करी भाई, बच गए, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच। तो भाई ये यहाँ चलती है, यहाँ से बसें और बस करके यहाँ से हम लोग भाई आते ही हमें ये मिल गया, आप ये देख सकते हो, इसी की तलाश में हम लोग आए हैं। ये यहाँ पे ऐसे ही घूमते रहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। ये कहेंगे हमारे लिए तो डेली का है, हर बार कोई करके बुला लेता है, कुछ खाने को देता नहीं है, बाड़ में जाओ देगा, जानवर भी चलाक होते हैं। अब अपने को यहाँ से चलते हुए जाना है बाय वॉकिंग और फिर देखते हैं कैसा रहता है। तो ये भाई बिल्कुल टॉप पे है, 1 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन ट्रैक करने में ना मजा आ रहा है, हमने वो गाड़ी वाड़ी नहीं ली। तो ये है, मतलब धूप बहुत तेज है, लेकिन ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे। तो भाई इतनी प्यारी प्यारी वादियाँ, मस्त। और ये यहाँ पे पानी पीने का स्प्रिंग वाटर लगा रखा, देख रहे हो झरने से आ रहा है पानी, इन्होंने पाइप लगा दिया। अब देखते हैं एक बार पी के, ये
भाई अल्टीमेट। अच्छा हुआ पानी की बोतल नहीं लाए भाई, मजा आ गया सही में भाई। वही है ना, मैंने यार बोला ना, डे वन जब यहाँ कोची आए तो पंगा हो गया कि वो छोटी गाड़ी मिल रही है, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि गाड़ी यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन स्टिल गाड़ियाँ अच्छी हुई, मतलब रोड अच्छी हुई। दूसरी बात, हम सोच रहे थे वीडियो के अंदर, जितना हमने यूट्यूब और उस पर देखा था कि बहुत पतली पतली गलियां थी, तो दोस्त पतली पतली गलियां थी, ट्रैफिक भी था, लेकिन ना जो भगवान ने करा बहुत अच्छा करा कि ऑल्टो 800 दे दी, इजीली निकाल ली। मतलब आप मानोगे नहीं, हमने कहीं पे भी ऑटो नहीं लिया, गाड़ी आराम से जा रही है चलती हुई, और यहाँ पे भी देखो पानी की बॉटल हमसे मिस हो गई, मैं लेके नहीं आया, और यहाँ पे ये स्प्रिंग वाटर मिल गया, अल्टीमेट यार मजा आया भाई। तो चलते हैं ऊपर पहले, लेकिन यार व्यू देखो भाई साहब, वो रॉक ना वो वाली देखी मानी वहां पे, अल्टीमेट यार। अब आ चुके मेन टॉप पे, तो ये है और व्यू देखो भाई, यहाँ से जाने का ही मन नहीं कर रहा, क्या अल्टीमेट व्यू है ना, सबसे टॉप पे अब हम आ गए। अब टाइम हो गया 4:41, गाड़ी हमने वहाँ पे पार्क कर दी है और यहाँ पे आ गए हम कल्लारी भाई। 5 बजने ही वाले हैं, अब कथकली का शो देखेंगे हम लोग, और दूसरा कल्लारी जो मार्शल आर्ट है अब हम लोग वो देखने वाले हैं। तो ये है भाई, और ये आप देख रहे हो, ये इन्हें मैंने यहाँ देखा, देखो ये रही है। तो ये जितनी इनकी मार्शल आर्ट्स की टीम है ना, इन्हीं की टीम खुद ब खुद इसको आगे प्रमोट करती है। अभी फिलहाल ये यहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं, टिकट बेच रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। तो ये यहाँ पे हम आ गए टिकट लेके। मेकअप शूट करना थोड़ी देर बचा है। भाई अब शुरू होने वाली है कल्लारी। कल्लारी अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना, हमारे देश का सबसे ओल्डेस्ट,
मार्शल आर्ट है ये इंडिया के अंदर। और अगर यहाँ पे देखें आप, देखो कुंफू, अगर मैं कुंफू का एक ओरिजिन देखूँ ना तो वो कहीं ना कहीं वो साउथ से है, बौद्ध धर्म आपने सुना होगा राइट, तो ये चीज़ है। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं ना, ये बेसिकली यार ये ना कलारी मार्शल आर्ट फॉर्म है बिल्कुल रॉ, कि कहाँ से कैसे ये शुरू हुआ, क्या क्या इनके बेसिक एथिक्स हैं, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। पहले पूजा हो रही है, पूजा के बाद हम शुरू करते हैं। लेके आ गई है ये यहाँ पे मुन्नार चॉकलेट फैक्ट्री, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इस जगह का इकलौता जो अच्छा बेटर चॉकलेट्स दे रहा है ना, वो यहाँ पे यही है, और काफ़ी अच्छी आपको रीजनेबल प्राइसेस में चॉकलेट्स यहाँ पे मिल जाएंगी, और हर टाइप के फ्लेवर्स की मिलेंगी अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे। और इवन इनके पास में टेस्टिंग के लिए और सारी की सारी चीज़ों के लिए ये भी यहाँ पे पॉइंट अवेलेबल हो रखा है, तो चलो देखते हैं क्या रहता है। ओके, ये यहाँ पे टीवी पे दिखाया जा रहा है किस तरीके से चॉकलेट बन रही है। और ये यहाँ पे इनका हिसाब दिखा रहे हैं। तो भाई ये यहाँ पे जितनी चॉकलेट्स रखी है ना, ये इनके पास में टेस्टिंग के लिए भी है, और आपको 600 रुपये किलो या 800 रुपये किलो के आसपास ये यहाँ पे मिल रही है। तो ये है, अब हम लोगों ने भाई ये डब्बा बनवा लिया मस्त अपना, जौन सी आपको खानी है बस खाओ। और ये डब्बे का वेट अलग से नापेगा, अभी हुआ है 200 ग्राम, तो अब देखो। तो अब बज रहे हैं 9:25,
और अब फाइनली हमने अपना चेक इन कर लिया है। आपका रूम टूर मैं चलो अभी दे देता हूँ थोड़ी देर में। फिलहाल हम यहाँ पे डिनर करने आ गए श्री महावीर रेस्टोरेंट। भाई मुन्नार के अंदर ना वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, लेकिन ना ये यहाँ के लोकल्स का रिकमेंडेशन है कि जब भी मुन्नार आओ, अगर प्योर वेजिटेरियन हो तो आप इधर आओ, और अगर आप लोग नॉनवेज खाते हो तो आप लोग इधर आओ, गुरु होटल एंड स्पाइसेस। तो ये दोनों आमने सामने हैं। एक चीज़ का रिकमेंडेशन है, वो ये है कि फ़िश यहाँ पे नहीं खानी। क्यों नहीं खानी? क्योंकि ये कोई कोस्टल एरिया नहीं है, यहाँ पे ऊपर फ़िश आने में इनका लोकल्स का कहना है 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। तो भाई आप चिकन खा लो, मटन खा लो, ये खा लो, और आई बिलीव बीफ इसके यहाँ पे है नहीं। ठीक, तो ये है। और बाकी कोची वाले उसमें ना जितना भी मैंने देखा, जहाँ जहाँ पे नॉन वेज है आप लोग अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि अगर साथ में कोई प्योर वेजिटेरियन पार्टनर है, जैसे मेरे साथ में मेरी वाइफ है, तो वो नहीं खाती। तो जनरली नॉन वेज के रेस्टोरेंट्स के अंदर ना यहाँ पे बीफ भी होता है, तो चांसेस होता है कि वो बर्तन बर्तन शायद एक्सचेंज हो रहे हैं या वो एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जिन लोगों को वहम होता है उन लोगों की बात हो रही है, हर किसी की नहीं। तो श्री महावीर रेस्टोरेंट यहाँ पे गुजराती, जैन, मारवाड़ी, पंजाबी, और ये यहाँ पे थाली है। अंदर फटाफट ऑर्डर भाई हम करके बैठे हैं, बस आप लोगों का वेट कर रहे थे दिखाने का। तो ये फ़िलहाल ये यहाँ पे देख लो, पहले तो 10 बजे तक का ये इसका टाइम है। हमने क्या मंगवाया है? हमने मंगवाया है लच्छा पराठा, दाल मखनी। तो ये है भाई दाल मखनी, और ये है मलाई कोफ्ता। फटाफट पहले परोसता हूँ, फिर खा के बताता हूँ कि है कैसा। भाइयों बस कटोरी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये यहाँ पे ऐसी कटोरी होती है। तो जनरली भाई ठीक है, साउथ में सांभर और वो सब रहता है ना, हम मलाई कोफ्ता लिया है, देखो डाल ही नहीं पा रहे, लेकिन स्टिल एक बार फटाफट से देख लें ज़रा। सही है भाई, दाल मखनी। दाल मखनी टेस्ट करते हैं एक बार। देखो ये अपने वहाँ वाला टेस्ट तो नहीं है, दाल मखनी भी वो वाली नहीं है, लेकिन ये जो भी दाल है बहुत अच्छी तरीके से बनाई हुई है, चटपटी सी। ये आपको कुछ ऐसा लगेगा, कढ़ाई पनीर को थोड़ा हल्का सा ग्रेवी में कर दिया है, लेकिन भाई दाल में मज़ा आ रहा है खाने में। मलाई कोफ्ता थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन खाने में ना ये बहुत अच्छा है, ग्रेवी इसकी बहुत टेस्टी है यार। फ्रेंकली बिल्कुल सही भाई, ग्रेवी बहुत टेस्टी है, तो अल्टीमेट। और वो केरला परोठा जो मैंने उस दिन खाया था ना, कल खाया था फिश के साथ, उसकी जगह यहाँ पे लच्छा पराठा है, लेकिन बनाने का स्टाइल वही है। और ये अपने यहाँ से लच्छे पराठे आप देख ही सकते हो भाई, साइज़ में बहुत बड़े हैं। मक्खन वक्खन का कोई रिवाज नहीं है यहाँ पे, जो है वो ऐसा ही है। तो फटाफट बस खाते हैं, रूम टूर देते हैं, तो ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू सो मच भाई यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बस एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो भाई ये है आज की रात हमारी, होटल लुमिनो, और ये होटल जो हमें पड़ा, ये पड़ा 1400 रुपये का विद ब्रेकफास्ट, तो सही है। और इसकी रेटिंग्स भी बहुत अच्छी हैं, और ये ना इस होटल की जो चेन है ये भी बहुत बढ़िया है। अभी मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने ये लुमिनो का एक होटल इससे आगे आता है वो करा था, लेकिन होता क्या है ना, वहाँ पर भाई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो मैंने उन्हें बोला, मैंने भाई यार ये तो दिक्कत है, मैं सामान हमारे पास में बहुत सारा है, तो उन्होंने मेरे को अपनी दूसरी लोकेशन पे भेज दिया। तो ये है वो दूसरी लोकेशन, और वहीं सामने ही था। तो प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, टेंटिवली इसमें 4 फ्लोर हैं, और ये वाला जो है हमारा ये है ग्राउंड फ्लोर। और मैं यहाँ पर एक बार आपको होटल का दिखा देता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये यहाँ पर आ गया, ये है भाई, देख रहे हो, एकदम लेविश सा। और सेम यहाँ पे ना देखो, चेक इन चेकआउट टाइमिंग यही रहते हैं, तो मुन्नार आप कभी भी आ रहे हो ना, यही रहेगा। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने रूम की तरफ। तो रूम बिल्कुल सामने है लिफ्ट के हमारे, और यहाँ पे अगर देखें तो ये है भाई हमारा कमरा, कुछ ऐसा। और बालकनी, यस बालकनी है भाई बाहर, लेकिन ठीक है हम सोने आए हैं। तो ये है भाई आज की प्रॉपर्टी, काफ़ी अच्छी लेविश सी प्रॉपर्टी है। वॉशरूम्स ये है, सब चल रहा है हिसाब किताब अपना, बढ़िया।
और अलमीरा। ठीक है लेकिन है अलमीरा बहुत है। तो एंड करते हैं आज के इस ब्लॉग को, ख़त्म करते हैं ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो यस इसको सब्सक्राइब करो, प्लस शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। मैं हूँ संजय सक्सेना। जय हिंद।